हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से बालकुबाजी की ड्रेस की फ्रिल वाली चोली बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने दो रंगों से बनाई है, स्काई और पिंक कलर से। इसलिए मैंने जो हमने किनारी बनाई है, ये जो हमने फ्रिल बनाई है, ये हमने स्काई कलर की इसलिए बनाई है। ये देखिए, चोली बनाने के लिए मैंने 16 चेन मैंने ली है। 16 चेन लेने के बाद हम 3 चेन और लेंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन ली मैंने। 3 चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम ऐसे धागा लेके, ये 1, 2, 3, ये 3 चेन छोड़ के, ये 4th चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाया। फिर से देखिए, ये धागा लेके, ये चेन में हमने क्रोशिया हुक डाल के, पहले ये एक, ये देखिए 1, 2, 3 है। 3 से हमने ये 2 बनाए, 2 से हमने 1 बनाया। इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो ये देखिए, ये सारी जो आपको चेन दिखाई दे रही है, सब में आपने डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक बार सब में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3, और शुरू में जो हमने 3 चेन ली थी उसको भी हम 1 डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो टोटल हमारे पास अब 4 हो गए। तो ऐसे ही आपने 16 चेन में डबल क्रोशिया बना ले। ये मेरे पास, ये देखिए, ये हमने जो शुरू में चेन बनाई थी, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17 हमारे पास डबल क्रोशिए हो गए। अब हमने अपना वर्क ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने 1, 2, 3, 3 चेन बनाई हमने। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, जो सबसे पहली हमारी चेन है, सबसे पहली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पहली चेन में हमारे पास 2 हो गए, एक जो हमने चेन बनाई थी और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो फर्स्ट चेन में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में ये देखिए, यहाँ पे फिर से हमने 1 बार बनाया डबल क्रोशिया, इसी जगह हमने फिर से दूसरी बार बनाना है। ये देखिए, पहली चेन में हमने 2 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया। इसी तरह आप अपनी सारी रो कंप्लीट कर लें। हर चेन में, ये जो हमारे पास चेन है, हर चेन में आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हर चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने जो शुरू में चेन बनाई थी, चेन में हमने क्रोशिया हुक डाल के 1 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे पास सेकंड राउंड में हमारे पास ये सारे 33 हो गए हैं। इसमें हमने ये पहली चेन भी गिनी है, 32 ये हैं, और साथ में जो फर्स्ट हमारी चेन है, तो ये 33 हो गए। 33 के बाद आपने इसको टर्न करके 1, 2 और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके आपने ये जो हमारा फर्स्ट, ये हमारा डबल क्रोशिया है फर्स्ट, इसको छोड़ के नेक्स्ट में आपने ऐसे क्रोशिया हुक डाल के ये स्टिच को लेना है। पहले हम ये चेन में बनाते थे, ये जो हमारी चेन है, यहां नहीं लेना हमने, यहां से इसको फर्स्ट फर्स्ट स्टिच छोड़ के सेकंड स्टिच को हमने लिया है। सेकंड स्टिच लेके हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। इसी जगह हमने, इसी जगह हमने 1 बार और डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने नेक्स्ट चेन में, ये देखिए, नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना। 2 बार हमने डबल क्रोशिया एक एक बार लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 बार बनाया, फिर हमने 1 बार बनाया, हम फिर उसके बाद हमने 1 बार बनाया, फिर हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे, डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, पहले हमने, सबसे पहले जो हमने चेन ली थी, चेन लेने के बाद हमने एक स्टिच में 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने नेक्स्ट स्टिच में 1 बार, उसके बाद हमने 1 बार बनाया, फिर हमने नेक्स्ट स्टिच में 2 बार बनाया। इसी तरह आपने हर तीसरे में आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक, ये 2 बार हमने नहीं बढ़ाया, तीसरे में आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए मैं रो के एंड में आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने दो बार बनाया, एक स्टिच में हमने दो बार बनाया, फिर हमने एक बार, फिर एक बार, फिर हमने ये लास्ट स्टिच है हमारा, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में हमने फिर से दो बार बनाना है, दो बार डबल क्रोशिया बनाया, एक और ये दो, दो बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने ये हमारी जो लास्ट चेन आ गई है, चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार। तो हमारे पास ये थर्ड राउंड में सारे हमारे पास मिला के 44 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये देखिए ये चोली अब ऐसे दिखने लगी है। अब हम यहां से बाजू निकाल लेंगे। बाजू निकाल लेंगे अब ये एक दो तीन, तीन चेन हमने ली। तीन चेन लेने के बाद मैंने ये देखिए ये हम पहले जब हम बढ़ाते थे यहाँ पे हमने सेकंड रो में थर्ड रो में बढ़ाए हैं, तो इसलिए हम ये फर्स्ट चेन में भी डालते थे। अब हमने फर्स्ट चेन में नहीं क्रोशिया डालना, यहाँ पे सेकंड में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये दो हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये डबल क्रोशिया, दो, ये तीन, चार, पांच और छह, ये हमारे पास छह डबल क्रोशिया हो गए। छह के बाद हमने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस चेन छोड़ के 11th 11वीं चेन में हमने क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये ऐसे बाजू बन गई, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस 11 और ये 12, 12 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने फिर से 10 चेन छोड़नी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10, 10 चेन छोड़ के 11वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, और ये जो हमारी चेन है यहाँ पे डाल के हमने ये छठा हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने एक रो इसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया से डालनी है। नेक्स्ट रो हम फिर से डबल क्रोशिया की बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेके हमने फिर से ये देखिए यहाँ पे नहीं डालना, अब हमने नेक्स्ट चेन में हमने लेना है, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, दो हो गए। तो अब हमारे पास ये 24 डबल क्रोशिये है, इनके ऊपर आप 24 डबल क्रोशिये और बना ले। ये देखिए लास्ट में आके हमने ये जो चेन बनाई थी यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने इसको टर्न करके एक और दो, दो बार हमने चेन ली, दो बार चेन लेने के बाद ये धागा लेके हमने ये फर्स्ट नहीं यहाँ पे हमने सेकंड में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए ये धागा लेके ये चेन में क्रोशिया हुक डाल के ये तीन तीन का हमने एक कर दिया हाफ डबल क्रोशिया। तो आपने 24 बार आपने पिछली लाइन में ये वाली लाइन में आपने 24 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके ऊपर आप 24 बार हाफ डबल क्रोशिया बना ले। ये देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है और ये चोली ऐसे बनी है। ये चोली चार पांच और छह नंबर के कान्हा जी को आ जाएगी, लेकिन अगर आप चार नंबर के कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो जो लास्ट रो हमने हाफ डबल क्रोशिया की डाली है वो आप मत डालिए।
अब हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये जो हमारी पहली चेन है यहाँ पे आके हमने इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर दिया। हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना। फिर से देखिए, ये चेन लेके यहाँ पे हमने धागा लेके हमने ऐसे करके स्लिप स्टिच कर दिया। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये जो हमारा लूप है ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर खींचा खींचा हो रहती है वो। ये देखिए, ये चेन सही आई है। मैंने पहले भी जो वीडियो बना के डाली है उसमें भी बताया है कि जब हम घेरा बनाना शुरू करेंगे तो यहां से हम शुरू नहीं करेंगे, हम स्लिप स्टिच से ड्रेस के, ये देखिए ये बाजू है यहाँ पे, इस साइड में आ जाएंगे, यहां से अब हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। जब भी हम चोली बनाएंगे तो यहाँ ड्रेस बनाएंगे तो चोली की साइड में हम आ जाएंगे, यहां से अब हमने घेरा बनाना अपना शुरू करना है। ये देखिए, ये चोली ऐसे आई है। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे, ये देखिए ये चेन दिखाई दे रही है, यहाँ पे अब हम किनारी बनाएंगे। तो किनारी हम इसके साथ स्काई और पिंक कलर की मैं ड्रेस बना रही हूं तो इसलिए मैंने स्काई कलर की बीडिंग की है। किनारी को हम बीडिंग भी कहते हैं, कई लोग बीडिंग कहते हैं, कई किनारी कहते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे किनारी तो उससे पहले थोड़ा सा आप धागा, ये देखिए थोड़ा सा धागा छोड़ दीजिए। शुरू में हमने इसकी चेन भी बनानी है तो इतना हमने धागा छोड़ दिया है। तो धागा छोड़ने के बाद यहां से आप शुरू कर लीजिए। तो हमने पहले एक और दो चेन बनाई, ये एक और दो चेन ली। दो चेन लेने के बाद हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। धागा लेके इसी जगह पे हमने क्रोशिया हुक डाल के ये डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने ये नेक्स्ट चेन छोड़ के जो उससे अगली चेन है वहां पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। ये हमारी किनारी है। एक दो, दो चेन लेके धागा लिया, धागा लेके इसी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने एक चेन छोड़ी, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से देखिए, एक दो, दो चेन लेके धागा लेके इसी चेन में हमने जहां पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पे हमने आके डबल क्रोशिया बनाया। फिर से इसको हमने फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमने इसे ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आप अपनी सारी रो कंप्लीट कर लें। देखिए यहाँ पे आके लास्ट में मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है, सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने। ये देखिए, ये चोली ऐसे आई है, यहाँ गले पे फ्रिल के जैसे बन गई है। और ये बनाने से आपको बाजू की बीडिंग, उसकी किनारी बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये बाजू के ऊपर आ जाएगी ऐसे। और अभी हमने धागा काटा नहीं है। इसके बाद हमने यहीं पे जो हम ड्रेस में डोरी डालते हैं इसके साथ ही हम डोरी बना लेंगे। आगे आपने चेन स्टिच की डोरी बनानी है तो डोरी आप ये देखिए ऐसे चेन स्टिच से डोरी बना ले। ये हमारी डोरी बन गई है। अब हमने एंड में आके डोरी के एक दो तीन चेन, तीन चेन लेके हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक दो तीन छोड़ के हमने ये फोर्थ चेन में क्रोशिया हुक डाल के ऐसे एक दो तीन हो गए। फिर हमने यहाँ पे हाथ रख के एक बार और डबल क्रोशिया ऐसे यही इसी चेन में हमने एक बार और ऐसे, ये देखिए अब हमारे पास ये पांच हो गए। तो पांच हो गए, पांच को हमने पांच में से हमने जो फर्स्ट, ये देखिए जो शुरू वाले चार हैं, चार को हमने ऐसे करके निकाल दिया। फिर हमने ये लास्ट वाले दो निकाल दिए। और एक दो और तीन चेन लेके हमने फिर से इसी जगह जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाया था जिस चेन से, वहां पे हमने जाके इसे सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। एक बार हमने यहाँ पे और स्लिप स्टिच बनाया, चेन स्टिच बनाया और यहाँ पे आप इसे काट दीजिए। ये देखिए, ये शुरू में हमारे डोरी के शुरू में ऐसे हमारे
आ गया जी। और इधर हमने दूसरी साइड में जब हमने शुरू की थी, यहाँ पे हमने किनारी बनानी, यहाँ पे हमने धागा छोड़ा था, तो इधर वाली चेन आप इस धागे से बना ले। तो सबसे पहले आपने ये ऐसे करके आपने ये लूप बना लिया, इसमें आप चेन बना ले। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने इस तरह से बना दिया है। आप जब शुरू में धागा छोड़ते हैं तो थोड़ा धागा ज्यादा छोड़िए, ताकि आपको चेन स्टिच बनाने के लिए कम ना पड़े, डोरी बनाने के लिए कम ना पड़े। हमने ऐसे डोरी बनाई है, आगे इसी धागे को कंटिन्यू किया है। तो अगर आप यहाँ पे धागे को साथ ही कंटिन्यू नहीं करना चाहते, साथ ही डोरी नहीं बनाना चाहते, तो आप फिर शुरू में मत छोड़िए और यहाँ पे आके खत्म कर दीजिए और अलग से डोरी बना के डालिए। मैंने साथ में ही डोरी बना दी है। ये देखिए ये कान्हा जी की ड्रेस की चोली बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।